हाय दोस्तों वालेकुम कैसे आप लोग मेरा नवील है एयरपोर्ट्स प्रो 2 अगर आपके पास है चाहे लाइटनिंग वाले या फिर टाइप सी वाले दोनों ही के लिए नया अपडेट आया है इस नए अपडेट में क्या कुछ नया है क्या खास है वो सारी चीजें चेकआउट करेंगे जो अपडेट है इसका वर्जन है सेवन बी वन सेवन बी वन नाइन जो है ये बहुत बड़ा अपडेट है लेकिन शायद आपके कोई काम नहीं आने वाला क्यों ऐसा है इस वीडियो में करेंगे इस बात की तहकीक और जानने की करेंगे कोशिश सबसे बात अपडेट कैसे चेक करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जो एयरपोर्ट है उसको आपको अपने आईफोन से कनेक्ट करना होता है तो केस में ही रहने दीजिए चलेगा केस से बाहर निकालेंगे तभी भी चलेगा केस को ओपन कर लीजिए यहाँ पे एयरपोर्ड्स ऑटोमेटिकली अपने आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे टैप कीजिए नीचे चले जाइए और यहाँ पे आपको चेक करना है वर्जन नंबर मोस्ट

और कुछ देर देखने के बाद एक दो मिनट तीन मिनट चार मिनट जितनी आपकी मर्जी है उतना देर देखने के बाद इनको वापस ऐसे ही केस में रख के केस का ढक्कन ओपन करके इसको छोड़ दो आपके आईफोन से कनेक्टेड रहेगा और कुछ देर में जो है ये अपडेट हो जाएगा अगर नहीं होता है तो इसको चार्जिंग भी लगा के छोड़ दो कभी कभी चार्ज कम रहेगा तब भी अपडेट नहीं होता और मेक श्योर की आपका आईफोन जो है ये वाई से कनेक्टेड है नया एयरपोर्ट्स का फॉफ्टवेयर जो है आपके आईफोन पे आ जाएगा नहीं आता है फिर भी तो ज्यादा टेंशन मत नॉर्मली एयरपोर्ट को यूज कीजिए कुछ घंटों के बाद ये फॉर्मवेयर ऑटोमेटिकली आ जाता है इसको पुश करके इसको फोर्स करके आप इंस्टॉल नहीं कर

रिप्लेसमेंट हो सकता है तो ये काफी मतलब एक ब्रेक थ्रू चीज है क्यों इंडिया में नहीं मिल रहा अभी वो भी बताता हूं मैं आपको आगे देखिए हियरिंग प्रोटेक्शन फीचर भी है जो यूजर्स को हेल्प करेगा टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू लाउड एनवायरमेंटल नॉइस अक्रॉस लिस्निंग मोड ये यूएस और कैनेडा में अवेलेबल है हियरिंग प्रोटेक्शन यहाँ पे भी लिखा है ऑल फीचर्स मे नॉट भी अवेलेबल फॉर ऑल कंट्रीज एंड रीजन तो कौन से फीचर हमको मिल रहा है वो देखते रहे तो यहाँ पे फिर से हम वही पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट्स प्रो टू है हमारे उसके अंदर आप देख सकते हो ये तो सारी चीजें वैसी की वैसी है ऑडियो के अंदर पर्सनलाइज वॉल्यूम कन्वर्सेशन अवेयरनेस लाउड साउंड रिडक्शन ये तो हमको मिल रहा है

ये नए फॉर्मवेयर के लिए जो हियरिंग टेस्ट एनेबल करता है लेकिन इंडिया के लिए अभी अप्रूवल इनको शायद मिला नहीं होगा फिलहाल यूएस के लिए ही है लेकिन आगे जाके इंडिया में भी आपको देखने मिलेगा तो इसलिए ये हियरिंग टेस्ट जो है इंडिया के लिए रहेगा कमिंग सून आपके कंट्री के लिए भी रहेगा कमिंग सून लेकिन अगर आप यूएस में हो तो आपको मिल जाएगा और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कंट्री रीजन लैंग्वेज वगैरह जो हम यूएस करके मिल जाएगा हमको ऐसा नहीं है इंडिया में फिर भी ये काम नहीं करेगा देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पे रखा हुआ है एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे चल रहा है और मेरा जो रीजन है वो भी यूएस पे सेट किया है एप्पल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने के लिए लेकिन ये अभी फिलहाल इंडिया में काम नहीं कर रहा है कनेक्टिविटी में कुछ चेंज आया क्या तो यहाँ पे वो चीज चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आपके एयरपोर्ट थोड़े से आपको स्लो नजर आ रहे थे कनेक्शन वगैरह करने में तो अभी वो आपको थोड़े से बेटर कनेक्टिविटी दे पाएंगे इस अपडेट की वजह से थोड़ा सा मुझे फास्ट लगा है धक्कन खोलता हूँ मैं यहाँ पे देखते हैं कितना क्विकली कनेक्ट होते हैं क्विकली जो है यहाँ पे पॉपअप आ गया और कनेक्ट भी हो गया एयरपोर्ट्स आप कान में